फोल खोल पोस्ट की मासिक पत्रिका में विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 07805-266-080। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। लखनऊ में आज संपन्न हुए युवा कुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर पर भी बोला। उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि वे उसी दल को वोट देंगे जो राम मंदिर का निर्माण कराएगा। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि ये कार्य जब भी करेंगे हम ही करेंगे, हमारे सिवा ऐसा कोई नहीं कराएगा। कुंभ 2019 पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज में कुंभ के दौरान गंदगी तो दूर एक मक्खी तक नजर नहीं आएगी। 1,00,000 से अधिक टॉयलेट बनाए गए हैं। भारत के हर एक संप्रदाय धर्मचार्य का प्रतिनिधित्व कुंभ में होगा। कुछ लोग राम जन्मभूमि के बारे में बोल रहे थे। जो लोग राम और कृष्ण को काल्पनिक बताते रहे हैं वे जनेऊ दिखाकर भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात सबको बताइए, ये काम हमारा विचार परिवार ही करेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारद्वाज ऋषि का आश्रम, ऐसे ऋषि जिन्होंने विमान शास्त्र की एक अलग शुरुआत की थी। पुष्पक विमान एक मिथक नहीं, उस समय की वास्तविकता था। पहला कुंभ होगा जिसमें जल थल नभ से जाया जा सकता है। उड़ान योजना से हर बड़े शहर को प्रयागराज से जोड़ने जा रहे हैं। हमने 1,00,000 लोगों को नौकरी दिलाई, 5,00,000 लोगों को सम्मानजनक रोजगार की ओर अग्रसर किया। उन्होंने कहा कि प्रयाग के वैचारिक कुंभ में सभी धर्मों के संत एक मंच पर होंगे। ये पहला मौका है जब कुंभ को यूनेस्को ने अपनी मान्यता दी है। 70 से अधिक देशों के राजदूत कुंभ का अवलोकन करके गए हैं। पहली बार अक्षय वट और सरस्वती कूप के दर्शन करने को मिलेंगे। अकबर ने किला बनाया था, तब से ये दर्शन बंद हो गए थे। कुंभ के बाद भी हम हर दिन दर्शन के लिए इसे खोलेंगे। कुछ लोगों ने कहने का प्रयास किया कि कुंभ पर्यावरण विरोधी है, इसलिए पहला कुंभ पर्यावरण कुंभ का आयोजन किया है। फिलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ नज़दीकी से बने रहिए। और यदि आपके आसपास कोई ऐसी गतिविधि होती है तो कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव और सूचना हमें ज़रूर दें। नमस्कार। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोल खोल पोस्ट पर YouTube और Facebook से तेज समाचार।